पोखरण फायरिंग रेंज में भारतीय सेना का युद्धाभ्यास जारी है। युद्धाभ्यास के दौरान सुखोई 30 MKI राफेल ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया है, वो आपको दिखाते हैं। एक दो तीन नहीं बल्कि आधे दर्जन जो बमबारी है वो की जा रही है। अलग अलग तरह के जो इंडियन एयरफोर्स के हथियार हैं वो प्लेटफॉर्म्स के जरिए, चाहे वो फाइटर जेट्स हो या फिर हेलीकॉप्टर्स हो, सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना के लगभग 121 फाइटर जेट्स इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और न केवल भारतीय वायुसेना बल्कि भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना की भी जो टुकड़ियां हैं वो अपने अपने एयर कंपोनेंट के साथ में यहां पर एक रोल प्ले कर रही हैं, ताकि जो तीनों सेनाओं में इंटीग्रेशन है वो भी दिखाई दे। 121 अलग अलग विमानों का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा। आप इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी एक्सरसाइज है जहां पर लाइव बमबारी की जा रही है। और जैसा कि मैंने कहा, लगभग 200 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान सीमा से आपको मेरे कैमरामैन मनोज पैन करके दिखाएंगे। हम इस समय पोखरण फायरिंग रेंज में है, और तब तक मैं आपको कुछ और फाइटर जेट्स के बारे में जरूर बता दूं। एक बार फिर जूम इन करके दिखाएंगे, ये देखिए ये बॉम्ब्स रिलीज किए गए हैं और ये फाइटर जेट्स, देखिए बॉम्ब्स रिलीज किए गए हैं और दाई तरफ हम थोड़ा सा पैन करेंगे, कैमरा मनोज आपको दिखाएंगे, और ये सामने बम धमाके शुरू हो गए। हम मुझे तस्वीरों में दिखाई दे रहा है बड़े धमाके में, आपको जल्दी से आवाज भी सुनाई देगी कुछ ही सेकंड्स में। ये देखिए अब मेरे बाई तरफ कैमरामैन मनोज आपको एक बार फिर कोशिश करेंगे हम आपको, एक सिलसिला खत्म नहीं होता फाइटर जेट्स का कि दूसरा शुरू हो जाता है। ये देखिए ये फाइटर जेट्स दो आपको पैर में दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा नजदीक आ जाएंगे तो मैं आपको आप कोशिश करूंगा इन्हें पहचान के। ओके, ये सुखोई 30 MKI है, इंडियन एयरफोर्स के सु 30 MKI फाइटर जेट्स ये फ्लेयर्स रिलीज करते हुए, ठीक वायुशक्ति और बॉम्ब भी उन्होंने रिलीज किए हैं, बॉम्ब्स रिलीज किए हैं। देखिएगा वो बॉम्ब्स ठीक नीचे आ रहे हैं, हम दिखाएंगे आपको किस तरह से बॉम्ब्स जब नीचे गिरेंगे, ठीक उस रडार के पीछे बॉम्ब्स गिरेंगे बॉम्ब्स। और ये देखिए एक के बाद एक लगभग दर्जन भर बॉम्ब्स गिरे हैं सुखोई 30 MKI द्वारा, और ये धमाधम धमाकों की आवाज आ रही है। भारतीय वायुसेना अपने पूरे दमखम सक्षम अपनी ताकत के साथ दिखाएगी और बताएगी कि किस तरह से भारतीय वायुसेना की क्षमता है, और जैसे जरूरत पड़ती है वैसे ही भारतीय वायुसेना अलग अलग हथियारों का और अलग अलग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से, तालमेल के तरीके से कर सकती है। तो पोखरण फायरिंग रेंज में फाइटर जेट नहीं बल्कि भारतीय सेना में शामिल LCH प्रचंड चिनूक हेलीकॉप्टर ने भी अपना दमखम दिखाया है। आशीष सिंह ने उसी पर एक रिपोर्ट भेजी है, वो हम आपको दिखाते हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि हम इस समय पोखरण के फायरिंग रेंज में हैं, जो कि मुश्किल से लगभग 200 किलोमीटर दूर है भारत पाकिस्तान सीमा से राजस्थान में, और यहां पर इंडियन एयरफोर्स का वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज किया जा रहा है, जिसमें 121 अलग अलग एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स और साथ ही साथ जो फाइटर जेट्स हैं उन सभी का और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हमें देखने मिल रहा है। 3 मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट यहां पर देखने मिल रहे हैं, एक रुद्र है, ध्रुवा है, सॉरी LCH है जो लाइट कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे प्रचंड कहते हैं, ध्रुव हेलीकॉप्टर है, और साथ ही साथ मेड इन इंडिया तेजस फाइटर जेट भी यहां पर मेड इन इंडिया उन 121 अलग अलग एयरक्राफ्ट में हमें देखने मिल रहा है तीनों सेनाओं की तरफ से। प्रमुखतः यह भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वायु शक्ति, जिसमें लाइव बॉम्बिंग किस तरह से एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अलग अलग बॉम्ब्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो दिखाया जा रहा है, बल्कि जो आर्मी की तरफ से भी एयर कंपोनेंट होता है और नेवी की तरफ से भी कुछ एयर कंपोनेंट्स को यहां पर इस्तेमाल में दिया जा रहा है, और इसीलिए यहां पर आपको जो गेस्ट हैं उसमें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार, चीफ ऑफ एयर स्टाफ जाहिर सी बात है कि एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी, और जो चीफ गेस्ट हैं CDS जनरल अनिल चौहान। तो इस वायु शक्ति के क्विक रिकैप के बाद में अब मैं सीधे आपको मेरी बाई तरफ लेके चलूंगा, जहां क्या मैं मनोज आपको दिखाएंगे ये
हेलीकॉप्टर्स देखिए जो M777 जो हॉविट्जर गन्स हैं उससे लिफ्ट कर लेके आते हुए। तो वायु शक्ति के जरिए पूरा विश्व भारतीय वायुसेना का पराक्रम देख रहा है। ABP News आपको रखे आगे।